तो गैज मैंने आधार कार्ड में OTP वगैरह सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद जब मैं आधार कार्ड डाउनलोड कर रहा था, बैंक सीडिंग स्टेटस सब कुछ चेक कर रहा था, तो यहाँ पर मुझको टेक्निकल एक्सेप्शन का प्रॉब्लम देखने को मिल गया। मैं जितनी बार उसमें लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, लॉगिन करने के बाद जब मैं आधार कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, तो टेक्निकल एक्सेप्शन का प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रहा था। ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था। मैं अपना आधार कार्ड उसके बारे में कोई डिटेल देख नहीं पा रहा था। तो अगर आपको टेक्निकल एक्सेप्शन में किसी भी हाल में आपको देखने को मिल रहा है, तो कैसे फिक्स करना है उसी के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल एक्सेप्शन का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको ब्राउज़र में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपको दूसरे तरीके से उसमें लॉगिन करना है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम फिक्स होगा। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाके आपको एक नया पेज जनरेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है UDI, मतलब आधार की साइट को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दे देगा। कभी कभी आपको थोड़ा दूसरे टाइप में देखने को मिलता है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सर्च पर जाएंगे, उसके बाद UIDAI इतना आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट आएगा। फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश वगैरह चूज़ करेगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, जहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी सब कुछ चूज़ करने को मिले। अब यहाँ पर आपको एक ऊपर तरफ ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। जिस काम को आप करना चाहते हैं, चाहे बैंक सीडिंग स्टेटस देखना है, या फिर आपको अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करना है, जो भी करना, अब आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको एक नया पेज जनरेट कर लेना है, तुरंत आपको काम करना है, आपका काम